तारीख थी 16 दिसंबर और साल था 1937, जब हरियाणा के भिवानी जिले के एक छोटे से गांव उमरवास में एक बच्चे का जन्म हुआ था। इस बच्चे के परिजनों ने इसका नाम हवा सिंह रख दिया। गांव की धरती पर पले बड़े हवा सिंह को खेल कूद का बहुत शौक था, लेकिन सीने में जो देशभक्ति की भावनाएं पल रही थी, इसलिए साल 1956 में हवा सिंह भारतीय सेना में शामिल हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद भी उनके अंदर से खेल कूद का शौक पनपता रहा। हवा सिंह को बॉक्सिंग में काफी दिलचस्पी थी। हवा सिंह धीरे धीरे अपने खेल के स्तर को बढ़ाने में लगे हुए थे। फिर साल 1960 में ही वो वेस्टर्न कमांड नाम के एक चैंपियनशिप के नए चैंपियन बन गए। हवा सिंह ने इस चैंपियनशिप के पिछले विजेता मोहब्बत सिंह को हराकर खिताब पर कब्जा किया था। ये वही दौर था जब हवा सिंह को जीत की आदत पड़ गई थी। वेस्टर्न कमांड में पिछले चैंपियन को हराकर हवा सिंह के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अगले 11 साल तक सभी नेशनल चैंपियनशिप की खिताब जीतते चले गए। 1961 से लेकर 1972 के बीच हुए सभी नेशनल चैंपियनशिप में हवा सिंह ने अपना परचम लहराया और एक एक करके सारे खिताब अपने घर ले आए। हवा सिंह कहीं नहीं रुके। बैंकॉक में हुए 1966 और 1970 के एशियाई खेलों में हवा सिंह ने स्वर्ण पदक भारत की पाली में डाले। हवा सिंह के चमत्कारी खेल को देखते हुए तत्कालीन भारत सरकार ने उन्हें 1966 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। बॉक्सिंग से संन्यास लेने के बाद उन्होंने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की। ये वही क्लब है जिसने विजेंद्र कुमार जैसे ओलंपिक पदक विजेता को जन्म दिया। 1999 में भारत सरकार ने हवा सिंह को गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी नवाजा। साल 2000 में 14 अगस्त को हवा सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हवा सिंह के मुक्कों को देखते हुए उन्हें एशिया का किंग भी कहा जाता है। टीम इंडलिंग्स।